स्टूडेंट दरबार चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्नेह सिंह, आज आपको बताऊंगी क्लास टेंथ का लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकेंड यानी लोक यानी नागरिक शास्त्र का सेकेंड पार्ट, जिसका पार्ट थ्री के बारे में यानी चैप्टर थ्री, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। इसका परिचय है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से लोकतांत्रिक सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। जिस एग्जाम्पल के तौर पर है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। यह अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना है। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की घटना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया और उनके पदक वापस ले लिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है असमानताएं, समानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। पिछले दो अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यह श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। हम सिर्फ इसी आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम लगभग हर रोज करते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं होता है। लेकिन सामाजिक विभिन्नताएँ लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएँ कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती है, यानी इन दोनों को जोड़ने का आपस में काम करती हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या पंथ अलग ही होता है। यह संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर यानी अलग अलग धर्म के मानने वाले होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन का भी हिस्सा बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब होते हैं, वे बेघर होते हैं, उनके पास घर नहीं होता है, भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ भी अनेक जाति या समुदायों के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। लोकतंत्र में भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्वता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्वता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन जाता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में भी हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है परिणामों का दायरा। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय तक जाति कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन है तो उसे राजनीतिक में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे दल के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तीन आयाम। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है लोगों में अपने पहचान के प्रति आग्रह करना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगे तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है यह भी महत्वपूर्ण है। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलाना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करती है जिसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाती, यानी एक हद से ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही